आप देख रहे हैं खबर दिनभर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में राशन डीलरों ने मौजूदा भजनलाल सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को 9 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन ना तो सरकार ने ना ही खाद्य विभाग के अधिकारियों ने हमारी मांगों पर कोई संज्ञान लिया। आदिवासी समुदाय के लोग हिंदू हैं या नहीं, इसे लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। वही राजस्थान विधानसभा में आदिवासी समुदाय के 3 विधायक जो भारतीय आदिवासी पार्टी के हैं, वो आदिवासी समुदाय को हिंदू मानने को तैयार नहीं है। वही सत्ताधारी पार्टी के विधायक समरा राम ने भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों के दावे पर ही सवाल उठा दिया। आदिवासी समुदाय से आने वाले समरा राम बोले, आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे तो उन्हें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी एससी और एसटी समुदाय के लोगों को आरक्षण हिंदू होने के आधार पर ही दिया गया है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने ऐसी अनूठी मांग कर डाली। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने आदिवासी समाज से जुड़ी कई मांगे रखी। इस दौरान उन्होंने राजस्थान पुलिस को तानाशाह भी बता दिया। साथ ही कहा कि आदिवासियों के लिए 8 लीटर महुआ शराब घर में रखने की छूट दी जानी चाहिए। घोगरा ने कहा कि हमारे त्योहार और संस्कृति में महुआ हिस्सा है, मैं इसे बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन पुलिस ने इतनी तानाशाही कर रखी है कि किसी गरीब के घर महुआ की शराब मिल जाती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब नेता प्रतिपक्ष की कराम जूली ने सदन में मंत्रियों की बयानबाजी का मुद्दा उठाते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। जूली बोले कि स्पीकर का झुकाव सत्ता पक्ष की ओर ज्यादा है, आपका हमें अधिक संरक्षण मिलना चाहिए। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने की मांग की, और जिसके पीछे रावत तर्क देते हुए बोले कि जब इंदिरा गांधी नहर नाम रखा जा सकता है तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं रखा जा सकता, ईआरसीपी तो नरेंद्र मोदी ही लेकर आए थे तो फिर उनके नाम पर क्यों नहीं रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों झालावाड़ जिले के 4 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने आज झालरा पाटन का दौरा किया और अपने मतदाताओं और आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान वसुंधरा राजे झालरा पाटन में एक अनोखे ही अंदाज में नजर आई और उन्होंने शहर में प्रवेश करते ही अपना काफिला छोड़े कार्यकर्ता के साथ स्कूटी पर सवार होकर शहर की गली मोहल्ले की व्यवस्था का जायजा लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, केंद्र सरकार का बजट देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग टैक्स देते हैं उसका समावेश है। इस टैक्स के योगदान में दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सेंट्रल जीएसटी में देते हैं। जब दिल्ली वाले 2.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स देते हैं तो दिल्ली वालों का हक बनता है कि उसमें से कुछ हिस्सा हमें वापस मिले। बाकी सब राज्यों को केंद्र सरकार अपने टैक्स का एक हिस्सा देती है, लेकिन हमें 1 रुपया भी अपने टैक्स से वापस नहीं मिलता। नीट पेपर लीक केस में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने रांची आरआईएमएस की छात्रा को हिरासत में लिया। बता दें छात्रा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की है। छात्रा के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और सेलफोन भी जब्त कर लिया गया है। एजेंसी जांच कर रही है कि क्या उसने क्वेश्चन पेपर सोल्व करके भेजा था। ये कार्रवाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था जमशेदपुर के 2017 बैच के सिविल इंजीनियर पंकज कुमार की निशानदेही पर की गई है, जिसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। सीएम योगी के फैसलों को लेकर इन दिनों जमकर चर्चा हो रही है। ऐसे में प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले सामान को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत ऐसे प्रोडक्ट बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाने के निर्देश भी दिए। दुनिया भर के कंप्यूटर और लैपटॉप में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की प्रॉब्लम देखने को मिली। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी के कारण भारत समेत दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई। इस गड़बड़ी का असर एयरपोर्ट, बैंक और स्टॉक एक्सचेंज से लेकर न्यूज चैनल तक में हुआ। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं ठप हो गई। अमेरिका में सैकड़ों उड़ानें रोक दी गई। भारत में भी कई एयरपोर्ट्स पर इसका असर देखने को मिला। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सबसे रूबरू होंगे। शुक्रिया।